आज हम पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1974 का रूल 13 पढ़ेंगे। रूल 13 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस। अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट वेकेंट हो जाती है ड्यू टू द डेपुटेशन ऑफ इंक्यूमेंट ऑफ दैट पोस्ट, अगर उस पोस्ट पे कोई रेगुलर एम्प्लॉय डेपुटेशन पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट चला जाता है, या वो लीव ले लेता है, या वो सस्पेंड हो जाता है, या उसके अपने कैडर से बाहर उसकी पोस्टिंग हो जाती है, या अगर वो सीट बाय ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए रिजर्व की गई है लेकिन कोई ट्रांसफ़र के लिए उस वक्त बंदा अवेलेबल नहीं है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो कि अदरवाइज एलिजिबल है फॉर प्रमोशन, उसको ऑफिशिएटिंग बेसिस पे उस सीट पे प्रमोट कर सकती है। लेकिन इस सूरत में उसी शख्स को अपॉइंट किया जा सकता है ऑफिशिएटिंग बेसिस पे जो अदरवाइज रेगुलर प्रमोशन के लिए जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस है, लेंथ ऑफ सर्विस है, क्वालिफिकेशन है, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हो। और अगर कोई सीट खाली है फॉर रेगुलर प्रमोशन लेकिन किसी पब्लिक सर्वेंट की प्रमोशन का केस डेफर हो जाता है, पब्लिक सर्वेंट का केस उस वक्त डेफर किया जाता है जब उसकी वो प्रमोशन के लिए उसको कंसिडर किया जा रहा है लेकिन ड्यू टू सम लैक, उसके एक्सपीरियंस में कमी या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में कमी या उसकी परफॉर्मेंस में कोई ऐसा लकुना है, किसी वजह से उसको उस वक्त प्रमोट नहीं किया जाता बल्कि उसका केस डेफर कर दिया जाता है, तो उस सूरत में भी उस जो प्रमोशन वाली सीट खाली है, खाली रह गई, उसको ऑफिशिएटिंग बेसिस पे फिल किया जा सकता है। इसमें यह चीज़ मद्देनजर रखना ज़रूरी है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को ऑफिशिएटिंग बेसिस पे प्रमोट किया गया है तो इस बुनियाद पर उसको रेगुलर प्रमोशन का राइट हासिल नहीं होता, वो अपने रेगुलर प्रमोशन को एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकता। और एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही उस सीट पे अपॉइंट करने के लिए एक एलिजिबल पर्सन अवेलेबल होगा तो उसको वो ऑफिशिएटिंग चार्ज छोड़ना पड़ेगा, वो वापस अपने कैडर में सर्व करेगा। और जब किसी को ऑफिशिएटिंग बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा तो उसकी पे के हिसाब से, पे के हवाले से उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वही होंगी जो कि रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रेस्क्राइब की गई होंगी। इसके बाद इसका रूल 14 डिस्कस करता है कि अगर एक फंक्शनल यूनिट में जो पब्लिक सर्वेंट्स अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट जॉब कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट में, उस फंक्शनल यूनिट में एक परमानेंट सीट फॉर प्रमोशन वैकेंट होती है जहाँ पे प्रमोशन के जरिए रेगुलर बेस पे किसी को अपॉइंट करना है प्रमोट करके उसी डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट फंक्शनल यूनिट में जितने लोग जॉब कर रहे होंगे लोअर कैडर में और वो प्रमोशन के लिए तमाम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरा करते हैं तो दे ऑल कैन कम्पीट फॉर द प्रमोशन और सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द चेयरमैन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इन रूल्स को आप पढ़ें, इनको देखें, अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।